हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल EMPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके ITI से संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में और साथ ही साथ आपके रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहे। दोस्तों, इतना ज़्यादा कमेंट आप लोग कर दे रहे हैं कि मैं खुद परेशान हो जा रहा हूँ, जबकि आप लोगों को वीडियो हर रोज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ तो सभी के बारे में। तो दोस्तों, फिर से आज बता दे रहे हैं, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, आपका कोई कमेंट नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद मुझे उम्मीद है इसके बाद आप लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। अगर फिर भी कोई जानकारी छूट जाती है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप ITI कर रहे हैं, जी हाँ, अगर आप ITI कर रहे हैं और ITI के साथ दोस्तों, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, या आप फाइनल ईयर की परीक्षा देकर पास आउट हो गए हैं, या आप डिप्लोमा के छात्र हैं, तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में दोस्तों हर दिन हम लगभग इस समय तो 8 से 10 कंपनियों का अपडेट आ रही है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप जो है दोस्तों, अपने इच्छा के अनुसार आपको जो अच्छी कंपनी लगे आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं और आप अच्छे जॉब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या क्या इस टॉपिक में। हम आपको बता दें ITI फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम कब होगा, सेकेंड ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा कब होगा, और जिनका एडमिशन साथियों 2020 में हुआ है उनका एग्ज़ाम कब होगा। इनका सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो पर लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ बैक वालों का और सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम कब होगा, तीन टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात आपको बता दें, जैसा कि आप यहाँ पर नीचे भी देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण सब कुछ स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, आपको हम पिछले भी ढेर सारे वीडियो में बता चुके हैं कि लॉकडाउन के कारण आपकी परीक्षा जो है कैंसिल कर दी गई है। हालांकि कॉपी जो है वो चेकिंग की जा रही है आपके प्रैक्टिकल और ED की। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें, लगभग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों का जो है एग्ज़ाम हो चुका है, लगभग लोगों का, सेकंड ईयर वालों का, फर्स्ट ईयर वालों में काफ़ी लोगों का रह गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, प्रमोशन का भी वो जारी किया गया था गाइडलाइंस, अभी जो है कुछ ही कॉलेजों में, कुछ ही संस्थानों में यह किया गया है, अभी कुछ राज्यों में किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा वो उसका जैसे नोटिस आएगा हम आपको बताएंगे। इसके लिए दोस्तों, नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बैक और सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम बता दें दोस्तों, अगर प्रमोट होंगे छात्र तो फर्स्ट ईयर, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है या सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, वो पास हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ वाले पास नहीं होंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों, जो बैक वाले हैं अगर उनका फर्स्ट ईयर में बैक है तो वो भी पास हो जाएंगे, एनुअल में है। सेकेंड ईयर वालों का जो फाइनल ईयर में है आप मान के चलिए, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब साथ ही साथ हम बात करें दोस्तों, तो अब एग्ज़ाम के अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है। आप लोगों का एग्ज़ाम दोस्तों तभी होगा आप लोगों का एग्ज़ाम जब आप लोगों का ये जो COVID-19 का स्तर है वह कम हो जाएगा, तभी आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट बात करना है दोस्तों कहीं से भी, NCVT या मतलब DGT से अगर आपको संपर्क करना है, हम आपको बता रहे हैं आप कैसे संपर्क कर पाएंगे, इसके बारे में भी चलिए हम आपको एक झलक जो है दिखला देते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउजर पे, वहाँ पे लिखना पड़ेगा DGT कंप्लेंट। जी हाँ, आपको DGT कंप्लेंट लिख के सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे साथियों, आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं किस वाले कॉलम पर जो है ओके करना है। इस पर आप आकर दोस्तों ओके करेंगे, उसके बाद आप पूरा खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजिटल डायरेक्शन, आप इस पर आके आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको खुल जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा सभी जो है स्टेट यहाँ पे दिए गए हैं, एड्रेस दिया गया है कहाँ पे, मतलब आपके DGT है उनका नंबर दिया गया है, कौन है उनका नाम दिया गया है, यहाँ पर ईमेल ID दिया गया है, यहाँ पे उनकी वेबसाइट थी। यहाँ से आप जो है दोस्तों उनसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है, अगर DGT से की तरफ से जो है आपको सोल्यूशन मिलता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हालांकि हमने बहुत सारी जानकारी बहुत सारी उसके माध्यम से ले रखी है, आप लोगों का एग्ज़ाम तभी होगा जब COVID-19 का स्तर कम होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। धन्यवाद।